तो ये जो सेकंड क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है इट इज सेइंग कि ए बी द फाइव क्रॉस थ्री रियल मैट्रिक्स विथ रैंक टू सो ए आपका क्या है इज अ मैट्रिक्स फाइव क्रॉस थ्री राइट तो ये फाइव क्रॉस थ्री के मैट्रिक्स है जिसका रैंक टू है सो व्हाट विल बी नलिटी ऑफ ए

स्पैंड बाई कॉलम वैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स मतलब एक वैक्टर स्पेस है जिसके बेसिस में लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे है ना या सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्स कॉलम स्पेस कॉलम स्पेस इज अ वैक्टर स्पेस तो वो तो ठीक है कि बी जो है जीरो वैक्टर है बी नॉन जीरो वैक्टर जो कॉलम स्पेस में है ए के सो so, मतलब बी इज ऑब्वियसली लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अब एस आपको दे रखा है सेट ऑफ एक्स सॉल्यूशन सेट बोलते हैं ना इसको सो एस इज अ सॉल्यूशन सेट तो ऐसा क्यों लिखा था कि बी कॉलम स्पेस है ए में ये थ्योरम है कि अगर ऐसा होगा मान लो इफ बी लाइज इन कॉलम स्पेस ऑफ ए देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी हैज ऑलवेज सॉल्यूशन yeah, या एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है ना वन या वन से ज्यादा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन सो अगर यह बोल जाता है ए का तो एक्स प्लस बी के पास हमेशा सॉल्यूशन होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी सो बी जो है ना ए के कॉलम्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है सो बी विल नॉट इफेक्ट रैंक एक्चुअली तो यहां से क्या आएगा रैंक ऑफ ए वही आएगा जो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक है बिकॉज बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए तो जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ए के होंगे उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ए ऑगमेंटेड बी में होगा बिकॉज बी इज नॉट इंडिपेंडेंट जब बोल रहा है कि कॉलम स्पेस में है मतलब बी इज द डिपेंडेंट वैक्टर डी कॉलम वैक्टर है तो बी इज द डिपेंडेंट वैक्टर तो इस केस में हमेशा ये इक्वल आएगा अब भी या तो एन हो सकता है या एन से कम हो सकता है कुछ भी एन भी हो सकता है एन से कम भी हो सकता है तो इसलिए तो ये इसलिए लाइन लिखा है कि इट इंश्योर्स दैट एस इज अ नॉन एमटी सेट तो सेट ऑफ एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी सो सिंस बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए सो दिस इक्वेशन ऑलवेज हैज अ हैजल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो एस इज अ नॉन एमटी सेट सो एस विल हैव वन एलिमेंट अब कह रहा है कि आगे सो इट इज सेइंग नाउ डिटर्मिन डिफाइन द ट्रांसलेशन ऑफ अ सब स्पेस व्ही बाई आरक्यूब सॉरी डिफाइन द ट्रांसलेशन ऑफ अ सब्स्पेस वी ऑफ आरक्यूब सो वी इज अ सबस्पेस ऑफ आरक्यूब वी इज अ सब स्पेस ऑफ आरक्यूब बाई एक्सनॉट इज एन एलिमेंट एक्सनॉट कोई एलिमेंट आरक्यूब का तो क्या translation कर रहा है ट्रांसलेशन को डिफाइन कर रहा है सो वट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि वेक्टर स्पेस के ईच एलिमेंट को वी इंक्रीमेंट बाय एक्स नॉट तो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट में हम एक्स नॉट ऐड कर देंगे हाँ नल स्पेस में बिलोंग करती नल स्पेस में हां हा? तो यहां से क्या होगा एक मिनट को एक्स नॉट प्लस वी सच दैट वी इज इन वेक्टर स्पेस हां एक्जेक्टली तो आप जो कह रहे हैं वो नल स्पेस में बिलोंग करेगा हम्म तो बोलना क्या चाह रहा है देन एस तो सॉल्यूशन जो एक्स नॉट होगा वो नल स्पेस में होगा ये कहना चाह रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे होके यहां से जो होगा वी बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ ए सो दैट्स वाई और ये क्या था सोल्यूशन स्पेस था ना दिस वॉज द सोल्यूशन स्पेस

एन एगोमेंटेड बी के पास दो एलिमेंट देर आर टू रैंक टू विच इज नॉट थ्री ना सो अगर ये थ्री होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता इफ दिस इज थ्री थियोर ऑफ कॉलम्स मैट्रिका नंबर ऑफ कॉलम अगर आ जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन होता टू है सो लेस देन थ्री है दैट वाई इट हैज इनफीनाइटली मेनी सोल्यूशन तो मैं बोलूँगी दिस सिस्टम इनफीनाइट एलिमेंट ज इन्फिनाइट एलिमेंट क्यों भाई बिकॉज दिस सिस्टम हैज इंफनाइट सोल्यूशन इस सिस्टम के पास इन्फनाइट सोल्यूशन है वाई इन्फिनाइट सोल्यूशन वेन ए एन एगमेंटेड इक्वल रैंक एंड दे आर लेस देन एन सो मीनस इट हैज इन्फिनाइट सोल्यूशन इक्वल टू एन देन यूनिक सोल्यूशन इफ दे हैव डिफरेंट रैंक देन दे हैव नो सोल्यूशन तो यहां पर इन्फनाइट सोल्यूशन है तो so, पहला दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया ठीक है

तो ये क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स सच दैट क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा हूं ठीक है ना सो वी आर डिफाइनिंग अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसलेशन ऑफ एस वी आर डिफाइनिंग ठीक है ना तो एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अच्छा किसका ट्रांसलेशन है उसकी बात कर रहा है ना सो एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ इसका मतलब है कि मुझे यहां पर क्या करना है ए और x की जगह रखना है x नॉट प्लस वी इज इक्वल टू बी तो यहां से आ जाएगा ए एक्स नॉट प्लस ए वी इज इक्वल टू बी और एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ तो हो क्या रहा है कि s को ट्रांसलेशन बना रहे मीन्स x नॉट अभी x यू अज्यूम x नॉट इज एक्चुअली इज पार्ट ऑफ s अभी मान लो x नॉट जो है s में है तो क्या होगा ए एक्स नॉट विल बी बी ठीक है ये थ्योरा मैं जैसे मैं प्रूव कर रहा हूं जो बता रहा था ना कि वी विल बी कम कम इन टू नल स्पेस ऑफ ए तो उससे आ जाएगा तो यहां से एक्स नॉट बी हो जाएगा सो बी प्लस ए बी इज बी तो यहां से ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वी नाउ सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वी नाउ

तो मीन्स यहां से आंसर ये आया कि एस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस बिकॉज भी कम्स इन टू नल स्पेस ऑफ ए नल स्पेस का जो डायमेंशन है वो नलिटी होती है नलिटी इज वन तो रैंक प्लस नलिटी कॉलम तो दैट्स वाई वी इज द ट्रांसलेशन ऑफ मतलब वी जो बिलोंग कर रहा है डायमेंशन वन सब स्पेस में तो हमने क्या किया एस इज द ट्रांसलेशन ऑफ हाउ तो एस को रखना इसके इक्वल तो एक्स नॉट प्लस भी इज द एलिमेंट ऑफ एस ऑलरेडी तो यहां से क्या हो गया ए टाइम ये कर दिया हमने दिस बिकम्स दिस एंड देन एक्स नॉट अगर एस में है तो कितना ट्रांसलेशन हुआ सो so, जो ट्रांसलेशन जिस वैक्टर स्पेस से हो रहा है दैट दैट इज इज द द इन नल स्पेस एंड दैट्स तो ऑप्शन सी इज करेक्ट एस इज द ट्रांसलेशन ऑफ वन डायमेंशनल सब स्पेस क्यों क्योंकि नलिटी वन है सो so, यहां पे पर बिलोंग्स टू लाइज इन वन डायमेंशनल सब स्पेस वट इज नेम ऑफ दैट सब स्पेस इज नल स्पेस ठीक है तो ये हो गया दिस इज अ क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट तो आपका हो गया ना हाँ जी राहुल तो आते हैं पे. <coughs> तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना हम उसके